कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती देवी उसकी जिमा पर विराजमान थी, जिस कारण उसके मुख से निद्रासन निकला। कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 1 दिन जागता था। तो सोचो, अगर वो सही वरदान मांग लेता, यानी कि 1 दिन जागता और 6 महीने सोता, तो कितने जीवों को वो भक्षण कर सकता था। कुंभकर्ण बेहद शक्तिशाली और विशालकाय था, और जब उसे रावण के द्वारा सीता को चुराने की सच्चाई पता चली, तो उसने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण को ना समझना था तो ना समझा। तो कुंभकर्ण ने रावण की तरफ से युद्ध करना स्वीकार किया। तो देखते हैं, चलिए, श्री बाबा गोवर्धन दास रामलीला का ये दृश्य, कुंभकर्ण वध। चाचा उठ जा, आजा बेटा, आजा तू भी आजा, तू चाचा मत, चाचा तू करो, अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम राम का सामना कर सको, तो तुम वापस सो सकते हो। लंकेश्वर रावण में अभी इतना पराक्रम बाकी है कि वह स्वयं उनसे जाकर अपना प्रतिशोध ले सके। नहीं नहीं भाई साहब, आदेश कीजिए, मैं उन पांडवों को कच्चा चबा जाऊंगा। भाई साहब, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पहले भाई साहब कुछ तुम भोजन कर लो, उसके बाद युद्ध भूमि में जाना। ठीक है भाई साहब। बोल महाराजा रावण की, तो सोने लंकेश्वर की जय। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।